मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहली बात कि आज है 15th of August, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और कैमरा की बैटरी डेड है तो मैं शूट कर रहा हूँ फ़ोन से। तो सीन कुछ ऐसा है कि हर बार की तरह आज भी हम लोग जा रहे हैं राइड पे। हर बार हम लोग 15th August को या 26th January हम लोग राइड पे जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस ये है कि हम लोग जा रहे हैं साइकिल राइड पे, ठीक है। तो साइकिल का सीन थोड़ा लंबा है, उसकी स्टोरी थोड़ी लंबी है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी 4:30 हो गया है, वत्सल भाई आ रहे हैं, 10 मिनट में वत्सल भाई आ जाएंगे। हम लोग को जाना है मीटिंग पॉइंट विच इज ट्रैक एंड ट्रेल व्यारा, ठीक है। तो उधर जाना है सबसे पहले, उधर से कुछ राइडर्स ज्वाइन करेंगे और एक दो हमारे पहचान वाले हैं, बाकी कुछ नए लोग हैं, मेरे लिए नए हैं, ठीक है। तो बाकी बातें बाद में करेंगे। बैग रेडी है, हेलमेट रेडी है, बैग में है रेनकोट और पानी की बोतल और कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज है, गोप्रो की एक्सेसरीज है। तो मिलते हैं रास्ते में, ठीक है। और एक मेन बात कि आज का पूरा वीडियो गोप्रो और फ़ोन में ही शूट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश का मौसम है तो मैं गोप्रो निकल सकूँगा, लेकिन कैमरा मैं नहीं ले जा रहा और फ़ोन तभी निकलेगा जब बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल मैथ है। तो आज थोड़ा चला लेना ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी में थोड़ा चला लेना, नेक्स्ट टाइम से देख लेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत जोरों के बारिश हो रही है बॉयज, आज की राइड पूरी रेन में करनी पड़ेगी। 1 hour later મારી પર પડેલી છે तो गाइस हम लोग ने ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, लेकिन बाइक में पंचर हो गया। हमने ट्राई की खुद बनाने की, लेकिन हमसे बना नहीं। तो अभी इधर लेके आए हैं हम लोग, तो बनाएंगे पंचर। बाकी सारे दोस्त आगे निकल गए, तो अभी देखते हैं सीन आगे का। पंचर मैन 2 कहानी मले नहीं मारा थी तो पड़ा चल भाई बस कर रहा हूँ ठंडी लागे रेनकोट करना ही को जंप मारे ना इतने डिस्क ब्रेक जो ही है साला लाइट भी बंद नहीं करता मौका दिया चले इतने किलोमीटर थोड़े बाकी है तो कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि पंचर के चक्कर में हम लोग पीछे रह गए थे। तो अभी थोड़ा आगे जाएंगे, जो थोड़े बहुत किलोमीटर बाकी वो कंप्लीट करेंगे एंड देन रिटर्न। एटमॉस्फेयर तो एकदम ऑसम है। ग्रीनरी एवरीवेयर, गांव के यही तो मजे हैं। कोई कोरोना का सीन नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति एकदम। तो भाई लोग 38+ किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हमने, तो वन साइड का 38 करेंगे तो दो साइड का 74 ऑलमोस्ट हो जाएगा आगे पीछे, ठीक है।
लेकिन अभी क्लेस है, ब्रिज है, हम लोग उधर जा रहे हैं थोड़ा फोटो वोटो खींचने। तो और इधर हिली एरिया ऑफिस से तो हालत ख़राब हो गई है थोड़ी, क्योंकि जो स्लोप आपको बाइक में एकदम छोटा सा भी स्लोप होगा, बाइक में हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन साइकिल पे लग जाते हैं वो। तो अभी एक बंदा भी आ रहा है हमारा, दो बंदे आ गए हैं, और अभी कुछ टाइम हुआ होगा 10 बजे होंगे, 12 बजे तक घर पहुँचने का प्लान था, लेकिन अब लग नहीं रहा कि पहुँच पाएंगे, तो देखते हैं अभी आगे। ठीक है, तो गाइज आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन लास्ट ईयर ये पानी इसके ऊपर से जा रहा है, ये कितना डीप है समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन लास्ट इसके ऊपर से पानी जा रहा था, सोचो कितनी बारिश हुई होगी। ये रेलिंग भी नहीं है, रेलिंग भी सब बिखर गई थी। फाइव किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, घर जाते जाते 90 हो जाएगा। अब मस्ती मस्ती में आगे आ गए, लेकिन अभी पट रही है और 45 किलोमीटर जाना है, जाएंगे ब्रेक लेते लेते। और क्या, दो लोग आगे एक लोग पीछे, दो लोग आगे एक बंदा पीछे है, मैं बीच में, क्योंकि मैं लेट हो जाता हूँ हमेशा, तो मैं निकल लेता हूँ पहले ही। ठीक है, मिलते हैं आगे। भैंस कांतरी आ गए हम लोग रिटर्न, और अभी थोड़ी धीरे धीरे थकान महसूस होने लगी है, और एक सीन हो गया कि आईफोन का केबल नहीं हमारे पास, और आईफोन की बैटरी लो है, और स्ट्रावा ऐप चालू रखने हैं उसमें, क्योंकि किलोमीटर काउंट करने हैं, तो अभी उसका कुछ जुगाड़ सेट कर रहे हैं, देखते हैं कुछ सीन सेट हो हमारा। कार्ड केबल एक एक राउंड मरवा दिया उस बच्चे। अभी मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, वो लोग पीछे है, बहुत बड़ा, बहुत सारे स्कैम हो गए एक्चुअली आज। पहले टायर पंचर, उसके बाद आईफोन की बैटरी लो गई थी एक दिन की, तो उसमें स्ट्रावा चलाना पड़ता ऑब्वियसली, क्योंकि रिकॉर्ड करना किलोमीटर। तो एक बंदा आया व्यारा से, केबल लेके आया, पावर बैंक था हमारे पास, केबल लेके आया फ़ोन चार्जिंग पे, वो लोग पीछे हैं, मैं थोड़ा स्लो हूँ तो मैं आगे निकल आया, लेकिन वो लोग मुझे पकड़ लेंगे मुझे पता है। धीरे धीरे मैं चलता हूँ आगे, और अभी
से टाइम हो गया होगा 4:30 या 2, मुझे पहुंचना था, मुझे पहुंचना था 12 बजे। लेकिन अगर आप राइड पे गए, फिर वो बाइक राइड हो या साइकिल राइड और ऐसे स्कैम ना हुए, तो समझो वो राइड पेड थी। तो अभी जाते हैं, धीरे धीरे वो लोग जाएंगे पीछे से, बाकी बातें बाद में। तो गाइस ब्रेक लिया था, थोड़ा बड़ा ब्रेक हो गया, मंगाई वगाई खा ली। 70 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, 74 करना है, लेकिन ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, अभी कुछ 15-20 किलोमीटर बाकी है। तो अभी डायरेक्ट मिलते हैं घर पे, ठीक है। अभी कैमरा नहीं निकलना मुझे, बारिश बंद हो गई है फाइनली, क्योंकि पूरे रास्ते बारिश थी, अभी थोड़े टाइम पहले ही बंद हुई। तो अभी मिलेंगे डायरेक्ट घर पे, ठीक है, चलिए। तो गाइस व्यारा भैंस कातरी रोड की ये है ग्रीन टनल, कुछ 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के रोड पे पूरा दोनों साइड ट्रीज है, तो इसको ग्रीन टनल बोलते हैं। तो गाइस कल कुछ हम 4 बजे के आसपास घर पे आ गए थे, बहुत थक गए थे, ऑब्वियसली 82 किलोमीटर किया था कंप्लीट, तो बहुत थक गए थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा काम था, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, तो थोड़ा बिजी हो गया इसलिए आज शूट कर रहा हूँ। तो सीन ये था राइड का कि 74 किलोमीटर राइड हमें कंप्लीट करनी थी, क्योंकि 74th इंडिपेंडेंस डे था हमारा। तो जो व्यारा ट्रैक एंड ट्रेल क्लब है, उन लोगों ने एक टास्क दिया था, टास्क बोल सकते हैं हम लोग, कि 74 किलोमीटर राइड आप कंप्लीट करो, कैसे भी वर्चुअल राइड थी, तो पूरे दिन में नो टाइम लिमिट कोई नहीं थी, लेकिन आपको जहाँ जाना है जिसके साथ जाना आप कंप्लीट करो। एंड उसके बाद वो लोग मेडल सर्टिफिकेट एंड कुछ टी शर्ट विशर्ट देंगे, ऐसा कुछ था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा और एक राइड भी हो जाएगी मानसून की। तो उसके हम लोग गए थे, मज़ा आया, थोड़ा अप्स एंड डाउन हुआ क्योंकि पंचर हो गया साइकिल में, उसके बाद मोबाइल की बैटरी लो गई थी, क्योंकि वो स्ट्रावा एप्लीकेशन आती है उसमें रिकॉर्ड करना था हमें किलोमीटर टाइमिंग है वो सब, तो वो भी ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास केबल नहीं था, पावर बैंक था लेकिन आईफोन का केबल नहीं था, हम के सब USB-C वाले थे, टाइप सी वाले थे, लेकिन एक जन के पास आईफोन था तो आईफोन का केबल नहीं था, तो इसके लिए वो उधर थोड़ा लेट हो गया। एक बंदे को व्यारा से बुलाया 30 किलोमीटर केबल लेके, तो ऐसा सब सीन हुआ था। लेकिन अगर ऐसा सीन ना हो कोई भी राइड पे तो मज़ा नहीं आता। तो ओवरऑल राइड अच्छी थी, थके ऑब्वियसली थक गए, लेकिन मज़ा आया। तो अभी ये वीडियो इधर ही एंड करते हैं, मैं ट्राई किया है मैंने ये वीडियो बनाने का, पता नहीं कैसा बना होगा, लेकिन अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूर, भूलना मत लाइक करना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है इसमें, पता है, ऐसा नहीं नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन की तरह की पैसा देकर सब्सक्राइब करना फ्री है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड आगे वीडियो आते रहेंगे ऐसे ही। अभी कुछ बाइक राइड या फिर नॉर्मल ट्रैवल वीडियो ऐसे कुछ आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून, स्टे सेफ, पीस आउट।